अच्छा भाई हूँ। तो अभी तक हमने जितनी प्रोग्रामिंग पढ़ ली है, सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप यहाँ तक सरवाइव कर गए। ठीक है, बहुत सारे लोग आपके साथ शुरू हुए थे जो सरवाइव नहीं कर सके। हमारी ये क्लास 50 लोगों से स्टार्ट हुई थी, फिर 50 लोगों का एक दूसरा सेक्शन भी इसमें मर्ज हुआ, तो 100 लोगों में से वो आप वो लोग हैं जो सरवाइव कर गए यहाँ तक। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि भाई आप सरवाइव कर गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब तक आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि प्रोग्रामिंग में जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, इसमें किसी का कोई शक? जो आप सोच सकते हैं कि ये कैसे होगा वो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, सोचने की बात है बस कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छा, तो अब आपको मैं एक असाइनमेंट समझाने लगा हूँ, वही मैट्रिक्स से मुतल्लिक है जो आपने ऑलरेडी बना लिया है, उसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, तो ये एक स्क्रीन है आपके सामने, एक एक लैपटॉप की स्क्रीन है, इसमें मैं कुछ ड्राइंग्स बनाऊंगा और ये मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग बना के। अच्छा, सबसे पहले आपके पास पेज के ऊपर होगा, एक तो यहाँ हेडिंग लगी हुई होगी आपकी, ठीक है, मैट्रिक्स वगैरह लिखा हुआ होगा जो भी होगा, सही है, यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग के बाद एक बॉक्स यहाँ पे होगा ऐसे, ठीक है, और एक बॉक्स यहाँ पे ऐसे होगा, सही है, यही जो बॉक्स है ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक अदद बटन होगा। ठीक है, इसके दरमियान में मैंने यहाँ पे लगा दिया एक कैपिटल लेटर का एक्स। ठीक है, अब आपका जो बंदा है, आपका जो बंदा जब आएगा इस साइट पे, तो उसको ये पता होगा कि ये साइट क्या प्रोवाइड करती है, मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स का जो सम है वो ये वेबसाइट प्रोवाइड करती है। ठीक है, बंदा आके यहाँ पे लिखेगा इस जगह पे 3, और सेकंड वाले में भी लिखेगा 3, तो ये 3x3 बंदे ने बता दिया कि 3x3 का मैं सम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस बटन पे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं, आ रहा क्यों नहीं है, स्टार्ट। ठीक है, इस बटन पे स्टार्ट ऐसे लिखा हुआ होगा, वो लिखेगा 3x3 और स्टार्ट का बटन दबाएगा। अच्छा, 4x4 भी लिख सकता है वो, 5x5 भी लिख सकता है, 2x2 भी लिख सकता है, 1x1 वो नहीं लिख सकता। ठीक है, क्योंकि 1x1 तो फिर मैट्रिक्स नहीं हुआ वो। ठीक है, तो एटलीस्ट वो 2x2 लिखेगा, उससे कम की वैल्यू यहाँ पे अलाउ नहीं की जाएगी। अच्छा, जैसे ही वो लिख के सबमिशन करेगा तो आपके पास यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, एक ऐसे फॉर्म बना हुआ जाएगा जिसके अंदर कितने इनपुट बॉक्सेस होंगे, जितना उसने वहाँ पे बताया है ना उतने इनपुट बॉक्सेस होंगे। ठीक है, तो हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि अभी उसने क्या बोला है, 3x3 बोला है, हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके ऐसे ही मैंने एक बॉक्स बना लिया, सही है, और इसी बॉक्स को अब मैं डुप्लीकेट करता चला जाऊँगा, सही है, ऐसे 3x3 का यहाँ पे एक बॉक्स बन गया। ऐसे 3x3 का यहाँ पे एक बॉक्स बन गया, सही है, मुश्किल तो नहीं है कुछ इसमें। ऐसे 3x3 का एक बॉक्स बना हुआ जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ फॉर्म के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब ये फॉर्म के अंदर ये सारे बॉक्सेस क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, और उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर एक बॉर्डर लगा हुआ है काइंड ऑफ। अच्छा, फिर इसी तरह का जाहिर है, क्योंकि मतलब सम तो दो मैट्रिक्स का ही होगा, एक का तो नहीं हो सकता, तो अब इस ऐसा ही यहाँ पे एक और भी बना हुआ होगा। ठीक है, ऐसा ही एक और बना हुआ होगा इस जगह, बीच में यहाँ पे प्लस का साइन भी लगा हुआ होगा। ठीक है, वो प्लस का साइन भी हम बीच में लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे प्लस का साइन बीच में लगा हुआ होगा, और उसके बाद यहाँ पे
एक इक्वल का साइन लगा हुआ होगा, ठीक है। इक्वल के साइन के बाद जाहिर है अब एक आपको रिजल्ट भी चाहिए इसका, इक्वल के साइन के बाद एक अदद आपको क्या चाहिए होगा इसका रिजल्ट शो कराने के लिए, एक अदद आपको ऐसा और भी चाहिए होगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा ये मेरे स्क्रीन से बाहर निकल गया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे स्क्रीन के अंदर लाने के लिए इसको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया, थोड़ा सही नहीं है। इस कैनवस को मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा किसी तरह से, कैनवस कैसे बड़ा कर सकता हूँ मैं, असल में बड़ा बड़ा इस वजह से भी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखता रहे। अच्छा सही है, खींच के बड़ा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके सामने एक 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 स्क्रीन बनाता जा रहा हूँ। अच्छा आपका जो ये वाला जो पार्ट होगा लास्ट वाला पार्ट, ये आपका क्या होगा रीड ऑनली होगा, इसको बंदा अपने हाथ से चेंज नहीं कर पाएगा, इसको बंदा अपने हाथ से चेंज नहीं कर पाएगा। अच्छा अब ये जो फॉर्म है जाहिर है इसके साथ एक सबमिट का बटन भी होगा कहीं ना कहीं, तो एक सबमिट का बटन भी यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है। सब कुछ बंदा टाइप करने के बाद यहाँ पे ये सम का बटन प्रेस करेगा, यानी ये दोनों ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स ये बंदा लिखेगा और ये सारे इसमें आइटम्स रिक्वायर्ड होंगे, कोई एक भी खाली छोड़ के अगर उसने सम दबाया तो वो एरर देना चाहिए उसको, और अगर वो सारे फिल करता है और फिर वो प्रेस करता है तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है रिजल्ट वाला, इसके अंदर मेरे पास सम होके वही रिजल्ट शो हो जाना चाहिए जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं लास्ट क्लास की असाइनमेंट में, ठीक है। अच्छा अब इसके बारे में अगर किसी के भी जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, इसमें अगर कोई भी चीज़ ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सर ये होगा कैसे तो वो प्लीज़ पूछ सकता है जी। नहीं ये कितने बाई कितने के मैट्रिक्स पे खेलना है, अभी मैंने 3x3 एज्यूम किया है कि बंदे ने 3x3 लिख के स्टार्ट का बटन दबाया, ठीक है। अब 4x4 लिखेगा तो ये 4x4 के बॉक्सेस आने चाहिए, ठीक है। अगर 5x5 लिखेगा तो 5x5 के बॉक्सेस आने चाहिए, हाँ। वो जो बॉक्सेस है ना ये 3x3 वाले ये शुरू में मौजूद नहीं होंगे स्क्रीन पे, ये जब मैं 3x3 लिख के स्टार्ट का बटन दबाऊंगा जब ही ये बॉक्स आने चाहिए, उससे पहले ये बॉक्स स्क्रीन पे नहीं होने चाहिए, हाँ। और जब मैं स्टार्ट का बटन दबाऊंगा मैं यहाँ लिखूंगा 3x3, सही है। मैट्रिक्स की स्पेलिंग यही होती है ना, मैट्रिक्स की स्पेलिंग नहीं पता मुझे, MATRIC होगा ना, MATRIX मतलब सही लिखा मैंने, सही है, ठीक है। ठीक है भाई ये आपकी पूरी ऐप है जो आपको अभी बनानी है, सही है। अच्छा ये सब लोगों को क्लियर हुआ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। शुरू में यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है सिर्फ ये बॉक्स आ रहा होगा शुरू में, ये वाला पार्ट, ये पार्ट एक अलग फॉर्म है, सही है। नीचे वाला फॉर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग फॉर्म है। ये फॉर्म में बंदा फिल करके स्टार्ट का बटन जैसे ही दबाएगा तो नीचे वाला फॉर्म डिस्प्ले हो जाना चाहिए स्क्रीन पर, और जितने भाई जितने लिखेगा उतने भाई उतने ही बॉक्सेस आने चाहिए, सही है। इनपुट वन में, इनपुट टू में और रिजल्ट में, तीनों में 3x3 आया है, अगर 4x4 लिखेगा तो तीनों में 4x4 आना चाहिए, ठीक है। 4x4 के अब मिसाल के तौर पे ये क्या है, ये पूरा एक फॉर्म है जिसके अंदर टोटल कितने इनपुट बॉक्सेज हैं, 9 और 9 18 इनपुट बॉक्सेज हैं और ये सारे रिक्वायर्ड हैं, सारों को फिल करके बंदा ये सम का जो बटन करेगा ना तो ये इसके सबमिट का बटन है,
अब इस सबमिट के बटन पे आपको क्या करना है, इन दोनों को कैलकुलेट करके ये तीसरे वाले में आपने डिस्प्ले करवा देना है, जो आपके रीड ओनली आप डिव लगा लो इसमें, या मैं तीसरे वाले में ज़रूरी नहीं है कि आप इनपुट बॉक्सेस ही लगाओ रीड ओनली करके, आप कोई डिव लगा लो, आप कोई स्पैन लगा लो, कोई भी बॉक्स लगा लो, पैराग्राफ लगा लो, ठीक है, जैसे भी करके, लेकिन उसका विजुअल अपेयरेंस ऐसी होनी चाहिए जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आएंगे। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने चीज़ बनाई है इसको हम कहते हैं वायर फ्रेम, ठीक है। आमतौर पर जब आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट में या किसी कंपनी में जब आप काम करते हैं तो आपको जो ऐप बनाने के लिए मिलती है उसका वायर फ्रेम आपको मिलता है, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड वायर फ्रेम। अच्छा, वायर फ्रेम में क्या होता है, कोई कलर्स नहीं होते, कोई डिज़ाइन नहीं होता, कोई स्टाइल नहीं होता, सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर होता है कि वो वर्किंग कैसे कर रही होगी ऐप और दिखने में वो होगी कैसे, ठीक है। फिर इसका एक और डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में होती सेम यही चीज़ है, लेकिन हर चीज़ के पिक्सल्स, हर चीज़ के कलर्स, कौन सी चीज़ कहाँ होगी, कैसे होगी, कौन सी चीज़ कितने फासले पे होगी, पिक्सल, एक एक पिक्सल की डिटेल उसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। सारे कलर्स होते हैं, जो आइकन इस्तेमाल होने हैं वो आइकन अलग से एसेट्स में होते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको यही मिलता है, वायर फ्रेम, ठीक है। या आप अगर ख़ुद भी अगर अपने लिए कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप यही प्रोजेक्ट सबसे पहले यही बनाते हैं कि भाई मेरी ऐप दिखने में चलेगी कैसे, काम क्या हो रहा होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये वायर फ्रेम मैंने आपको बना कर दिया है, इस वायर फ्रेम को देखते हुए आप इसको क्या करेंगे, एक्चुअल वर्किंग एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। और फॉर लूप का इसमें इस्तेमाल एक्सटेंसिव है, ये तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब आप 3x3 लिख के जब सबमिट करेंगे तो फॉर लूप चलेगा एक, सही है, वो फॉर्म के जो कोड को रिपीट करेगा, जाहिर है फॉर्म आपको थोड़ी पता है शुरू में, जो इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग करना है ना आपको, तो वो फॉर्म के जो इनपुट बॉक्सेज हैं उसको रिपीट करेगा उतनी दफ़ा ही, जितनी आप जितना आपने लिखा है, सही है। तो बस ये आप जल्दी से बनाना स्टार्ट कर दें जी। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है और यही असाइनमेंट है। कोई बता सकता है, इनके सवाल का जवाब दे सकता है? इन्होंने कहा है कि यार 3x3 मैंने लिख के ऊपर स्टार्ट का बटन दबाया तो मैं नीचे रेंडर तो कर दूंगा फॉर्म पूरा, लेकिन मसला ये बाद में वो जो रेंडर हुआ है फॉर्म, उससे मैं इनपुट कैसे लूँगा, मतलब इनपुट उसका उठाऊँगा कैसे मैं, या तो मुझे हर इनपुट को एक आईडी देनी पड़ेगी कोई ऐसी जो मुझे पता हो। क्या आपको ये पता है कि वो इनपुट के बॉक्सेस हैं कितने जो रेंडर हुए हैं? नहीं पता, ये पता तो है, ऊपर यहाँ लिखा है ना, इनपुट दिया बंदे ने, तो वो एक वेरिएबल में स्टोर है ना, वो कहीं गया थोड़ी है। आईडी के अलावा कोई तरीका है? आईडी से ही होगा, आईडी के अलावा क्या तरीका है? तो आईडी एक ही दफा रिकॉर्ड लिखेंगे लूप में, तो आईडी तो नहीं, तो लूप से जब उसको रेंडर करोगे तो लूप से आईडी भी तो दे सकते हो ना। लूप से जब तुम रेंडर करोगे ये पूरा इनपुट बॉक्स, तो लूप के दौरान ये पूरा टैग लिखोगे ना जो रिपीट होगा, तो टैग लिखते हुए उसमें आईडी नहीं दे सकते हो जिसमें इंडेक्स लगा दो, ताकि वो आईडी 1 पहले की 1 हो, दूसरे की 2 हो, तीसरे की 3 हो, कर सकते हो ना ये, ठीक है। तो सोचने का गेम है, जितना अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा कर सकते हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ, जैसे मैंने तो बोल दिया ना कि यार आईडी के अलावा और क्या तरीका होगा, लेकिन एक ही काम को करने के कई तरीके होते हैं, हो सकता है आप में से कोई आईडी के अलावा कोई दूसरा तरीका फिगर आउट कर ले। तरीके सारे सही हैं, काम अगर हो रहा है तरीका सही है, ठीक है। आप 10 लोगों को बिठाएंगे, आप प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स को, वो एक ही काम को 10 लोग 10 अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा फिक्स तरीका नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसी तरह से होगा किसी और, ये कोई बेवकूफ़ी की बात है, ठीक है। जैसे आपको समझ में आता है, जैसे आप उसको वर्किंग में ला सकते हैं, आप हो जाएगा जी। हाँ, फिर 4x4 लिखे हैं तो बॉक्सेस जो है, ये जो 3x3 है ना, ये फिर 4x4 प्रिंट होना चाहिए। इसका तरीका ये होगा, फॉर लूप से होगा। देखो, ये काम तो आप लोग पहले कर चुके हैं ना, कि यानी अभी जो आपके पास इनपुट लिया था आपने, वो 9 इनपुट थे, उस 9 इनपुट को आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते थे फॉर लूप के ज़रिए, मोस्ट प्रॉब्ली फॉर लूप के ज़रिए करवाते थे। तो ये आपको अभी क्या पता चला है कि 3 और 3 दो वैल्यूज़ मिली हैं, ठीक है। तो आप इधर 3 बनाओगे, इधर 3 बनाओगे, सही है। अच्छा, इसमें लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा कि 3x4 नहीं लिख सकता बंदा, वो इक्वल ही होगा, सही है। 3x4 इसको भी रिस्ट्रिक्शन करनी है आपने, इसकी भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि 3x3 ही लिखे बंदा, फिर या 4 लिख रहा है तो 4x4 लिखे, या अगर 5 लिख रहा है तो 5x5 ही लिखे, ये नहीं कि 3x2 लिख दिया बंदा ने,
सही है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. मतलब पॉसिबल तो है, मैट्रिक्स में तो हो जाती हैं उस तरह की चीज़ें भी, लेकिन अभी टू कीप इट सिंपल हम इसको ऐसा रख रहे हैं कि दोनों साइड्स इक्वल होंगी जब ही सम होगा. सही है जी. चलो स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम लोग भी करो, देखते हैं किसका पहले होता है. ये ऐप जो है ना मेरी हो गई है कंप्लीट. हाँ ये चला गई, दिखा रहा हूँ मैं. अच्छा इसका कोड मैं अभी पुश नहीं करूँगा, दोबारा बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी उसके बाद मैं कोड पुश करूँगा. अच्छा दूसरी बात, 17 तारीख को आप लोगों का टेस्ट है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है. आज क्या डेट है, 10 है ना, बस 7 दिन के बाद आपका टेस्ट है जावास्क्रिप्ट का. और ये जिन लोगों ने बनाया हुआ नहीं होगा ना असाइनमेंट, उसको मैं टेस्ट में वैसे भी नहीं बैठने दूँगा. सही है. और टेस्ट में फेल होंगे आप तो वैसे ही इलिमिनेट हैं, क्योंकि देखो सिर्फ टेस्ट दे दोगे रट के भी दे देता है टेस्ट बंदा, क्योंकि टेस्ट होगा बुक से, ठीक है. ये तो पता ही आप लोगों को, 2 टेस्ट आप दे चुके हैं, टेस्ट होता है बुक से, वो तो रट के भी दे दोगे. ये असाइनमेंट्स नहीं हुए ना उस टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, पास करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो ये असाइनमेंट्स जो मैंने दिए हैं अभी बैक टू बैक, ये फॉर लूप वाले मैट्रिक्स वाले, ये हुए हुए होंगे तो आप टेस्ट में अपेयर होंगे फिर इंशाल्लाह. अच्छा तो यहाँ पे क्या रिफ्रेश करूँगा मैं, तो ये लिखा हुआ है कि भाई कितने बाई कितने गए. अच्छा ये कोई ऐसी कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म की ऐप नहीं है, ये ऐसे एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको दी थी. मतलब ऐसे हो सकता है एक नॉर्मल बंदा देखे उसको उसको लगे क्या बेवकूफ़ी की बात है. सही है. तो ये 4x4 का मैट्रिक्स यहाँ पे बना हुआ आ गया. इसको थोड़ा मैं जूम आउट अगर कर दूँ ताकि ये एक रो में हो जाए. अच्छा ठीक है भाई, तो 4x4 मैंने लिखा तो नीचे 4x4 के बॉक्सेस बने हुए आ गए. अब इसमें मैंने इनपुट देना है. अगर मैं इसको लिखूँगा 3x3 तो ये इनपुट यहाँ पे ये 3x3 का बनकर आएगा. अच्छा अब मैंने क्या करना है, ये नंबर के इनपुट बॉक्सेस हैं. सही है. अगर किसी एक को मैं खाली छोड़ता हूँ यहाँ पे तो मैं सम करूँगा, ये मुझे करने नहीं देगा, वो कहेगा यार ये खाली छोड़ा हुआ है आपने. ठीक है. तो मैंने इसको कुछ वैल्यूज़ दे दी, कुछ इधर दे दी, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दे दी. सही है. और सम का मैंने बटन प्रेस किया. ठीक है. तो 3 था यहाँ पे पहले में सेल में और यहाँ 0 था, तो यहाँ पे 3 आ गया. ठीक है. इसी तरीके से ये वाला जो सेल था यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 0 था, तो इसमें भी 3 आ गया. फिर ये वाला जो सेल है इसमें 4 है, इस सेल में 3 है, तो यहाँ पे 7 आ गया. सही है. इसमें मैंने कोई ऐसा कोड इस्तेमाल नहीं किया जो इसको क्लास में ऑलरेडी मैं पढ़ा नहीं चुका हूँ. ठीक है. ये जो एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं इसके लिए .innerHTML की चीज़ इस्तेमाल हुई है इसके अंदर. ठीक है. जस्ट ऐसे बता रहा हूँ कि किसी को ये ना लगे कि बहुत रॉकेट साइंस है. .innerHTML से ये कोड जो डायनेमिकली जनरेट हो रहा है 3x3 4x4 ये उससे हो रहा है. ठीक है. अच्छा मैं यहाँ पे दोबारा 3x3 करूँगा या मैं 5x6x6 करूँगा. ठीक है. अच्छा इसमें 3 तरह के मैंने आपको बोला था वैलिडेशन लगाने, वो तीनों भी आप देख लें कि इस 3x3 में से किसी एक को खाली नहीं छोड़ सकता बंदा. या मैंने कहा 2x7 तो इसमें भी एरर है कि भाई सेम नंबर होना चाहिए दोनों में. ठीक है. अच्छा मैंने कहा कि भाई 3x5 अगर, तो यहाँ पे ये कहेगा प्लीज़ एंटर बोथ इनपुट्स, सेम नंबर इन बोथ इनपुट्स. ठीक है. तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं कहूँगा 5x5 और स्टार्ट. तो अब देखें 5x5 का बना के ले आया. मैंने कुछ वैल्यूज़ दी यहाँ पर और कुछ इसको वैल्यू दे दी मैंने. और सम का बटन प्रेस किया तो नीचे अकॉर्डिंगली उसके आ गया. ये जो रिजल्ट वाला पार्ट है ये रीड ऑनली है. ठीक है. इसको कोई यूज़र एडिट अपने हाथ से नहीं कर सकता. ठीक है. और कोई ऐसी चीज़ जो इसमें मैंने करने बोली थी वो भी चेक कर लेता हूँ. और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बोली थी मैंने इसमें करना. ठीक है. रिस्पॉन्सिव भी है ये. रिस्पॉन्सिव क्या है, इस पर कोई स्टाइलिंग लगी भी नहीं है. ठीक है. तो अगर आप आपका स्क्रीन छोटी होगी तो ये सब सिंगल कॉलम पे हो जाएगा. CSS क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो आज के बाद ऐसे जितने भी ऐप्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं यानी CSS पढ़ने के बाद, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो रिस्पॉन्स करेगा 3 डिवाइसेस पे. ये मैंने जब फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा था उसी वक्त मैंने बता दिया था कि कोई भी आप ऐप बनाएंगे अब तो वो एटलीस्ट मैं उसको 3 डिवाइसेस पे चेक करूँगा. तो आपने आज का जो असाइनमेंट सब लोगों ने सबमिट करवाया है वो शायद ही कोई 1-2 होगा जो मोबाइल डिवाइसेस पे सही चल रहा था, वरना सारा स्क्रीन से बाहर इधर उधर भाग रहा था. ठीक है. तो ऐसे असाइनमेंट्स भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे. आज जो आपने मैट्रिक्स वाला बना के सबमिट करवाया उसमें कुछ लोगों ने ना इनपुट लेते हुए ये भी नहीं लिखा था कि कौन सी वैल्यू का इनपुट आ रहा है, जस्ट लिखा हुआ था एंटर नंबर, ठक 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 एंटर नंबर ही चल रहा है वो. ठीक है. बंदे को पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन से वाले पार्ट का इनपुट ले रहा है. ठीक है. तो वो एक उसको भी ठीक कर लीजिएगा एटलीस्ट. ठीक है. उसको ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा कि कोई नॉर्मल यूज़र जब उस पर आएगा तो उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा उसका. ठीक है. 0 इंप्रेशन. अच्छा तो
ये हमने देख लिया, अच्छा इसका कोड मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के बाद पुश कर दूंगा। अब ये तो हो गया आपके क्लास का असाइनमेंट जो आपने क्लास में कर लिया, जिन लोगों ने नहीं किया वो घर जाके करेंगे। अब घर का जो असाइनमेंट है वो आपको क्या करना है कि ये तो प्लस वाला काम हो गया, अब इसी का एक बिल्कुल क्लोन बनाना है जिसमें आप लिखेंगे, यहाँ लिखा ना मैट्रिक्स सम ऐप, इसमें आप लिखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऐप, सही है, और यही सेम चीज़ मल्टीप्लाई करना है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अब इसमें कोई भी चीज़ किसी को, क्योंकि आप अभी कोडिंग आधी से ज़्यादा सब लोग कर चुके हैं, यहाँ पे एक ने भी मुझे कंप्लीट करके नहीं दिखाया लेकिन आधे से ज़्यादा कोडिंग मैंने देखा लोगों ने की हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ कि सर ये हुई कैसे है ये समझ में नहीं आया, तो वो मुझसे अभी आप पूछ सकते हैं कि सर ये जो ऐसे करके डिस्प्ले हो रहा है ये हो क्या हुआ कैसे, ये अगर इस तरह का कोई भी सवाल है किसी का तो वो अभी पूछ लें मुझसे। ये बॉक्सेस जो हैं ये इनर, ये देखो ये जो बाहर वाली लकीर है ना, ये जो बाहर वाली लकीर है ये है एक अदर डिव जो कि क्या हुआ है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हुआ है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने से बाई डिफॉल्ट, क्योंकि डिव क्या होता है आपका ब्लॉक लेवल होता है, वो अपनी लाइन में किसी और को आने नहीं देता, तो ये इनलाइन ब्लॉक हुआ है, ठीक है। अच्छा इनलाइन ब्लॉक होने के बाद अब इस डिव के अंदर मैंने क्या किया है, डॉट इनर एचटीएमएल करके ये जो एक एक बॉक्सेस है ना, ये वाले एक एक बॉक्सेस इसके अंदर मैंने डॉट इनर एचटीएमएल के जरिए ऐड करवाया है। जितनी बार वो लूप घूमता है उतनी बार एक एक करके वो ऐड होता है, ठीक है। जब एक लूप घूम जाता है पूरा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का एक लूप जब चल जाता है, फिर उसके बाद मैं एक लाइन ब्रेक उसमें ऐड करता हूँ, डॉट इनर एचटीएमएल लाइन ब्रेक ऐड करो प्लस इक्वल्स टू करके, ताकि वो पुराना भी रहे नया भी रहे। लाइन ब्रेक हो गया, उसके बाद दोबारा मैं इनपुट ऐड करता हूँ यहाँ पर, फिर लाइन ब्रेक ऐड करता हूँ, फिर दोबारा इनपुट ऐड करता हूँ, इस तरह होगा ये, ठीक है, समझ आया ये वाला, थोड़ा थोड़ा आया। तो ये बाहर वाला जो एक लकीर है ये वाली, ये एक डिव है, सही है। इसके अंदर जो ये एक एक बॉक्सेस हैं ये क्या है, ये इनपुट बॉक्सेस है नॉर्मल, इसको डॉट इनर एचटीएमएल के जरिए ऐड किया गया। भाई किसी भी एलिमेंट को मिसाल के तौर पर, ये जो डिव है इसका आईडी है इसकी डिव वन, इसकी आईडी क्या है, डिव वन मिसाल के तौर पर। अगर मैं ये करूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डिव वन उठा लूँ मैं, और मैं बोलूँ डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और स्ट्रिंग में मैं पूरा इनपुट का एक टैग लगा के दूँ, तो वो अपीयर हो जाएगा ना, इसके अंदर हो जाएगा ना अपीयर करके दिखा। ये हमने पढ़ लिया इस क्लास में, हमने इससे पहले ये पढ़ा है कि डॉट इनर एचटीएमएल करके कोई चीज़ देंगे तो उसको एज अ एचटीएमएल ट्रीट करता है वो, डॉट इनर टेक्स्ट करके देंगे तो उसको एज अ टेक्स्ट ट्रीट करता है, ठीक है। अगर मैं टेक्स्ट करके देता ना तो वो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है इसमें, कि ओपनिंग ब्रैकेट फिर इनपुट फिर उसमें रिक्वायर्ड और फिर मिनिमम और सारी चीज़ें, ठीक है। और ये जो तीनों डिव है, ये जो तीनों डिव है, ये सारा कुछ एक्चुअली एक फॉर्म के टैग के अंदर है, ठीक है, एक फॉर्म के टैग के अंदर है। तो फॉर्म के टैग के अंदर जब ये है, तो जब मैं ये इनपुट ऐड करता हूँ ना, तो इनपुट में मैं रिक्वायर्ड लगा के टैग करता हूँ, वो मैंने ऐड करता हूँ उसको इनर एचटीएमएल में। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये एक बड़े फॉर्म के टैग के अंदर है। अब फॉर्म के ऊपर लगा हुआ ऑन सबमिट, ये इसके सबमिट का बटन है, क्लिक करता हूँ सबमिशन चलती है, ठीक है। अगर कोई भी एक बॉक्स खाली हो ये मुझे सबमिट नहीं करने देगा, ठीक है। देखो एक बॉक्स खाली छोड़ा मैंने, सबमिट नहीं करने देगा, समझ आया ये। एक ऊपर का फॉर्म अलग है, हाँ ये वाला, ये फॉर्म अलग है, नीचे का फॉर्म अलग है, ये दोनों का फॉर्म का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। यहाँ से 5x5 मैंने इनपुट लिया, स्टार्ट का बटन दबाया, स्टार्ट का बटन जैसे ही मैंने दबाया एक फंक्शन चला, उसने बकायदा वो चीज़ें चेक की सारी कि भाई ये जो इनपुट दोनों मिला है मुझे, एन ए एन तो नहीं है, ज़ीरो तो नहीं है कहीं, ठीक है, टू से नीचे, क्योंकि मैट्रिक्स नहीं होता, 2x2 से नीचे का मैट्रिक नहीं होता, ठीक है, 1x1 का मैट्रिक नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक की, दोनों नंबर इक्वल हैं कि 5x5 ही अलाउ कर रहे हैं, 5x4 नहीं कर सकता, वो चेक किया। अगर वो सही है तो एक लूप चलता है, कौन सा लूप चलता है, नेस्टेड लूप चलता है, कितने बाई कितने पे चलता है। अब आई और जे करके चलाते हैं ना नेस्टेड लूप, हमने लास्ट क्लास में चला के देखा था। तो आई जो है उसमें ये इनपुट वन और जे में इनपुट टू, 5x5, सही है। तो 5x5 का एक नेस्टेड लूप चलता है या टू डायमेंशन लूप चलता है, ठीक है। और उस 5x5 लूप के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एक करके ये इनपुट बॉक्सेस डॉट इनर एचटीएमएल करके ऐड करता जाता हूँ इस डिव में। अच्छा जब मैं ये इनपुट इसमें ऐड करता हूँ, तो इनपुट ऐड करते वक्त मैं हर इनपुट को एक आईडी देता हूँ, ठीक है, हर इनपुट को मैं एक आईडी देता हूँ,
क्या आईडी देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा मैट्रिक्स इनपुट डैश आई डैश जे, डैश आई डैश जे करके मैंने दे दिया। तो जितनी बार वो लूप घूमेगा तो आई जे तो हर दफ़ा चेंज आता है ना, वो आई जे वाली वैल्यू उसके अंदर आईडी के तौर पे लग जाएगी। जब मैं यहाँ पे, अब वो रेंडर हो गया सारा कुछ, जब मैं सम का बटन दबाऊँगा तो मुझे ये पता है ना कि 5x5 का था ये मैट्रिक्स, तो मैं 5x5 का ही लूप चलाऊंगा सम करते हुए और मुझे वो एग्जैक्टली आईडी पता है। तो मैं कहूँगा इनपुट 1 डैश आई डैश जे से एक उठाओ और इनपुट 2 के आई जे से उसको प्लस कर दो, तीसरे रिजल्ट में भी डालो। समझ रहे हो बात ये? तो इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, और ना सिर्फ इसको बनाना है अपने, प्लस वाला तो हो गया, मल्टीप्लाई वाला भी बनाना है। अच्छा, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स कैसे होते हैं ये आप लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो आप अलग से गूगल पे देख लीजिएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होता है। ठीक है, मैट्रिक मल्टीप्लाई इस तरह होता है कि एक रो जो है वो सामने वाले के कॉलम से हो रहा होता है, इस तरह का कुछ सीन होता है। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली अभी मैं कोट नहीं कर रहा, वो आप अलग से देख लीजिएगा क्योंकि वो प्राइमरी वगैरह में पढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा सारा। सही है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, इस तरह कुछ सीन है। यानी इसमें जैसे है ना कि सेम सेल है कि 0x0 जो है वो 0x0 से ही प्लस होगा, उसमें थोड़ा सा उल्टा, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं वो सम की तरह से आप करके ना लेकर आ जाएँ। ठीक है, फिर मकसद फौत हो जाएगा ना असाइनमेंट देने का, क्योंकि असाइनमेंट अब देना आपको जो जो दे रहा हूँ मैं, उसका रीज़न ये है कि अब आपका जो लूप है ना वो दो लूप दो अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे होंगे, दो लूप दो अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे। वो कैसे करना है वो तो आप फिगर आउट आप करेंगे, क्योंकि लूप आपको पता है, टू डायमेंशन लूप ड्राई रन करके हम देख चुके हैं, आपको एग्जैक्टली पता है कि लूप काम कैसे करता है। अब ये चीज़ अचीव कैसे करनी है लूप चला के, वो आप फिगर आउट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में। जी, नीचे ये वाला, ये भी इनपुट बॉक्सेस हैं लेकिन ये डिसेबल हुए हैं, ये भी जो है ना इनपुट बॉक्सेस ही हैं, क्योंकि ये रिजल्ट है ना, तो इसको मैंने बाय डिफॉल्ट डिसेबल रखा है कि रिजल्ट को कोई खुद से चेंज ना करे। चेंज करेगा बंदा इस वाले को और सम दबाएगा तो यहाँ प्रोग्रामेटिकली ना डॉट वैल्यू करके वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। और किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ ले। ठीक है, आज की आपकी आज फ्राइडे की क्लास है, तो सैटरडे और संडे दो दिन आपके पास हैं। ठीक है, तो दो दिन में ये अगर मल्टीप्लाई वाला नहीं बने तो फिर बहुत अफसोस की बात है। उसी में इनर भाई, मतलब जो टी आर टी डी अलग टी आर, देखो जब तुम इनर एच टी एम एल करके टी डी दे रहे हो ना, तो टी डी के अंदर जो देना है वो उसी वक्त दे दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो नेस्टेड लूप होगा ना, देखो बाहर आउटर लूप जब चलेगा तो एक टी आर तुमने ऐड कर दी। देखो तुम ना टेबल वाले तरीके से कर रहे हो, इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी भाई। ठीक है, ऐसे एक बात तो पहले ही बताऊंगा, दूसरा क्योंकि मैंने डिव में डायरेक्ट इनपुट बॉक्सेस डाले हैं, वो बिल्कुल सही है, सिंपल तरीका है। डायरेक्ट इनपुट बॉक्सेस में डिव क्या है। ठीक है, और वो डिव तीनों डिव जो है ना वो फॉर्म के टैग में, फॉर्म के अंदर तीन अलग अलग डिव, और उस डिव में डायरेक्ट मैंने इनपुट बॉक्सेस डाले हैं। इनपुट बॉक्सेस मल्टीपल जनरेट होते जा रहे हैं, अलाइनमेंट हो रहा है, इनर एचटीएमएल से हो जाएगा वो काम।